जी, माय पर्सनल द मोस्ट फेवरेट अपॉर्चुनिस्टिक फंगस इज क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मस। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अ बिट अबाउट द क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मस इन द प्रीवियस वीडियो वेयर वी कंपेयर्ड। ठीक है, वेयर वी कंपेयर्ड दी यीस्ट फॉर्म्स ऑफ द क्रिप्टोकोकस एंड ब्लास्टोमाइसिस। ये देखो, एक ही दिन में वीडियोस बनाने का ये फायदा होता है कि सारा मटेरियल अवेलेबल होता है। ठीक है, हियर वी डिस्कस दी यीस्ट फॉर्म्स ऑफ द ब्लास्टोमाइसिस पैराकोक्सिडियो आइडिस एंड क्रिप्टोकोकस। हमने बताया था कि द ब्लास्टोमाइसिस यीस्ट, ये दोनों, दीज बोथ बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ सिस्टेमिक फंगाई। ब्लास्टोमाइसिस हैव अ सिंगल बड बट ब्रॉड बेस्ड, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मस नैरो बेस्ड बड, और पैराकोक्सिडियो आइडिस अ यीस्ट विद मल्टीपल बड्स। ठीक है, ये यूक्यू आया था इस साल, और इसी तरह ही एग्जाम में बच्चों ने बनाना था। इट वॉज नॉट वेरी इजी, जिन्होंने लेक्चर अटेंड किया होता है उन्हीं को पता होती है ऐसी बातें, खुद से नहीं पता होती प्रॉफ में। जी, सो द अपॉर्चुनिस्टिक फंगस क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मस, इट कॉजेस मेनिनजाइटिस इन द पेशेंट्स ऑफ एड्स। ठीक है, एड्स के पेशेंट्स में क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मस इट कॉजेज मेनिनजाइटिस। ठीक है, इट्स कोनिडिया आर यूजली प्रेजेंट इन द सॉयल, अ सॉयल दैट इज हैवली कंटेमिनेटेड विद द फेसेस ऑफ पिजन्स। ये बहुत आ जाता है ये भी प्रॉफ में। ठीक है, स्टारलिंग्स की फेसेस से इन्फेक्टेड वाले में क्या हुआ था, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम। तो पिजन्स जो है उनकी जो है आपकी इन्फेक्टेड सॉइल, ठीक है, उसमें आपका होगा क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मस। ठीक है, और ये आपकी क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मस इज आपकी है जी, क्या कौन सी ये वाली फंगस है जी आपकी, ये है अपॉर्चुनिस्टिक फंगस। और क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मस अकर्स वाइडली इन द नेचर एंड ग्रोज अपंडेंटली इन द सॉयल, जिसमें क्या होती है जी बर्ड ड्रॉपिंग्स, और कौन सा वाला बर्ड स्पेशली, पिजन ड्रॉपिंग्स। ठीक है, उनकी जो वो बीठे हैं, यही कहते हैं ना कॉमन उर्दू में। ठीक है, तो वो कबूतर साहब जो है ना, उनकी सॉयल में उनकी ड्रॉपिंग से में क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मस हो सकता है। तो इफ यू कैन इनहेल, यू फर्स्ट ऑफ ऑल देयर विल बी एन इन्फेक्शन इन द लंग्स, बट बेसिकली इन द इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स, इन द पेशेंट्स ऑफ एड्स देयर विल बी मेनिनजाइटिस इन द पेशेंट्स ऑफ द एड्स। ठीक है, अच्छा ये बात हो गई एक तो बहुत इंपॉर्टेंट। इसकी यीस्ट किस तरह की है जी, इट हैज अ नैरो बेस्ड यीस्ट विच इज बेसिकली कैप्सुलेटेड। ठीक है, अब कैप्सुलेटेड यीस्ट, कैप्सुलेटेड यीस्ट होती ही सिर्फ क्रिप्टोकोकस की है। ठीक है, कैंडिडा की जो यीस्ट होती है, ठीक है, कैंडिडा की यीस्ट बस इस तरह की होती है सिंपल। ठीक है, कैप्सूल शैप्सूल कोई नहीं होता, लेकिन जो क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मस की यीस्ट है, इट इज द कैप्सुलेटेड यीस्ट। ठीक है, अच्छा अब ये मेनिनजाइटिस कर देगा, और किन में कर देगा, एड्स वालों में कर देगा। और इसके अलावा इसकी अब जनाब डायग्नोसिस में क्या क्या है जी, सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो पिछली वीडियो में भी बताया था वो है इंडिया इंक टेस्ट। ठीक है, सी पेशेंट के सीएसएफ के अंदर इंडिया इंक, सिंपल जो आपकी स्याही होती है फाउंटेन पेन में डालने वाली, ठीक है, तो वो आपका इट इज यूज्ड टू स्टेन द बैकग्राउंड। तो आपको वो यूं करके कैप्सुलेटेड बडिंग सेल, ये कैप्सूल है, कैप्सूल जो है ना इर्द गिर्द, ये यू हेलो की फॉर्म में रहेगा, और ये इधर पीछे जो है वो आपका वो इंक जो है इट विल, ये एक बार प्रॉफ में क्वेश्चन आया था व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग द इंडिया इंक, दे आर इन द सीएसएफ ऑफ द पेशेंट ऑफ द मेनिनजाइटिस विच पेशेंट ऑफ एड्स। ठीक है, तो वो है कि वो इसका आंसर ये था कि द पर्पस ऑफ द इंडिया इंक इज टू स्टे इन द बैकग्राउंड सो दैट यू कैन विजुअलाइज द कैप्सुलेटेड बडिंग यीस्ट सेल्स ऑफ द क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मस। ठीक है, तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका हो गया जी क्या नाम है इसका इंडिया इंक टेस्ट। ठीक है, फिर देयर सर्टन अदर स्टेन्स कैन आल्सो बी यूज्ड, वो कौन कौन से, एक तो है जी पीएएस, पीरियोडिक एसिड शिफ्ट जिसे कहते हैं। ठीक है, पीएएस स्टेन भी इसमें यूज कर लेते हैं। फिर एक स्टेन होता है मीथेना मीन सिल्वर। ठीक है, ये मीथेना मीन सिल्वर स्ट्रेन भी यूज कर लेते, याद आता है प्रॉफ में व्हाट आर द अदर, व्हाट अदर स्ट्रेन्स आर यूज्ड। इंडिया इंक का तो सिंपल सा है ना,
सादा सी बात के स्टेन के इंडिया इंक का ड्रॉप डाल दिया सीएसएफ में एंड देन वी विजुलाइज दी अनस्टेन्ड कैप्सुलेटेड बडिंग यीस्ट सेल्स एंड इट इज टू इंडिया इंक इज यूज्ड टू स्टेन द बैकग्राउंड द अदर स्पेशलाइज्ड स्टेन्स दे आर द पीएएस पीरियोडिक एस्टरशिफ मेथेनामीन सिल्वर स्टेन और एक होता है म्यूसी कार्मीन स्टेन. ठीक है, क्या नाम है उसका? म्यूसी कार मीन स्टेन. ठीक है, ये कॉमन कॉमन आपके स्टेन्स हो गए. अगर वही यार, ये तो आज की रात जो है ना, ये आज की रात सेबरार्ड के नाम, ठीक है, ये तो बता दिया आपको कि सेबरार्ड्स एगार जो है वो उसका सिर्फ यूज होता है. जितनी भी फंगल इन्फेक्शन है ये सेबरार्ड एगार के ऊपर ही ग्रो करती है. ठीक है, सर्टन सीरोलॉजिकल टेस्ट आप यूज कर लेंगे. फिर इसके क्रिप्टोकोकल एंटीजन टेस्ट होते हैं सर्टन, दे आर कॉल्ड द क्रैग CRAG क्रिप्टोकोकल एंटीजन टेस्ट, द क्रैग टेस्ट. ठीक है, ये दीज आर दी वेरियस सीरोलॉजिकल टेस्ट. ठीक है, तो ये है जी हमारा छोटा सा क्रिप्टोकोकस नियोफार्मस, जो होता तो छोटा सा है लेकिन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है. कैप्सुलेटेड बडिंग यीस्ट सेल, अ यीस्ट विद नैरो बेस्ड. ठीक है, कंपेयर्ड विद द यीस्ट ऑफ ब्लास्टोमाइसिस डर्माटाइटिस दैट इज दैट कॉजेज सिस्टेमिक माइकोसिस. ठीक है, दैट इज अ ब्रॉड बेस्ड बर्ड, ये नैरो बेस्ड बर्ड होती है. छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बेटा प्रॉफ के लिए. इट कॉजेज मेनेंजाइटिस इन द पेशेंट ऑफ एयर. जो आपकी नई अब एडिशन आई है उसमें एक आ गया है क्रिप्टोकोकस गेटी, इतना क्यूट सा नाम है इसका, क्रिप्टोकोकस गेटी. और वो कहते हैं जो क्रिप्टोकोकस गेटी है ना आपका, ये यूकलिप्टस के पत्तों के ऊपर होता है. ठीक है, कहाँ पे होता है ये? यूकलिप्टस पुराने जमाने की जो कहानियां होती थी ना, यूकलिप्टस, तो उसमें जरूर लिखा होता था. गुड ओल्ड डेज की जो हिस्टोरिकल बुक्स होती थी ना, वो जो उर्दू में आपको पढ़ने पड़ती थी, उसमें हमेशा वो लिखा होता था कि जो हीरो या हीरोइन है वो जब बागों की सैर में गए तो वहां यूकलिप्टस के दरख्त की महक फैली हुई थी. तो किसको पता था कि उस यूकलिप्टस के दरख्त के पत्तों के ऊपर क्रिप्टोकोकस गैटी भी ग्रो कर सकता है. क्रिप्टोकोकस गैटी जो है यूजली ये आपका जी ग्रैनुलोमा टाइप कॉज कर देता है ब्रेन में. ठीक है, क्रिप्टोकोकस गैटी साहब जो है, क्या यार गैटी, और एक नाम से देखो छोटा सा गैटी, और कर क्या रहा है ये? ग्रैनुलोमा. ठीक है, और होता कहा है? यूकलिप्टस. तो कहा यूकलिप्टस, कहा गैटी, कहा ग्रैनुलोमा, बस अंग्रेजों ने हमारी जिंदगी मुश्किल बनाई हुई है. ठीक है, सो क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मस इज अपॉर्चुनिस्टिक फंगस, इट कॉजेज मेनिनजाइटिस इन द पेशेंट्स ऑफ एड्स. ऑन द सीएसएफ वी कैन यूज इंडिया इंक टेस्ट दैट विल शो द कैप्सुलेटेड बडिंग यीस्ट सेल्स. इतना ही काफी है.